द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग में है, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इसी पैटर्न में मैं आपको ये बता देने जा रहा हूँ कि इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बीए ऑनर्स इन इंग्लिश इन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को कैसे क्रैक किया जाए, इसका न्यू पैटर्न क्या है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, जरूर करें। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 बीए ऑनर्स इंग्लिश एग्जाम पैटर्न। तो नॉट टेकिंग वॉच ओवर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले ऑफलाइन होता था, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, कुछ सब्जेक्टिव होते थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर दिया गया है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षार्थियों के लिए, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबके लिए ये काम बहुत ही आसान हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देने जा रहा हूँ कि अगर महामना एजुकेशन हब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके करियर संबंधित हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हर दिन लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ए ऑनर्स इंग्लिश, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स 100 अंक के होंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी। ड्यूरेशन 2 आवर्स होंगे, 2 आवर्स वुड बी गिवन टू यू पीपल। अब टॉपिक्स किन किन सेक्शन से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला होगा सेक्शन ए, उसमें होगा इंग्लिश ग्रामर। दूसरे सेक्शन में होगा इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस हो सकता है आपके सेंटेंसेस में भी दिए हो तो उसका मीनिंग आपको बताना होगा। देयर आफ्टर रीडिंग में आपको क्या होगा कि रीडिंग सेक्शन में जनरली आपका पैसेज दिया जाएगा, एंड आउट ऑफ दैट आपके कुछ प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उनका भी आंसर आपको देना होगा। देन इट कम्स राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में भी आपका उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे सही गलत वगैरह और ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें सब सवालों के जवाब देने होंगे। देन इट कम्स जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का भी प्रश्न पहले भी आता था, कुछ प्रश्न होंगे तो उसमें करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके, और उसमें हो सकता है जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें देखते हो। Then it comes section F, that is reasoning. Reasoning ability लगभग आजकल हर एक examination, entrance examination के साथ साथ competitive examination में तो पूछे ही जाते हैं, तो आपके reasoning ability को check करने के लिए कुछ प्रश्न reasoning से भी दिए जाएंगे। Literature सबसे last section रखा गया है, तो literature का ज्ञान भी आपको ठीक ठाक होना चाहिए। उसके अंतर्गत books and authors, कुछ आपके जो literature में चीजें आती हैं, इनफैक्ट जैसे मेटाफर, सिमली, ये सब सारी चीजें, एलिट्रेशन, तो इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। फेमस राइटर्स इन इंग्लिश, ये सब चीजें आपके लिटरेचर में पूछी जाएंगी। तो इतना था ये पूरा सिलेबस, लगभग 100 अंकों की परीक्षा, और ये थे सारे सेक्शन, ग्रामर, वोकैबुलरी, देन इट कम्स रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, देन राइटिंग सेक्शन वुड बी देयर, जनरल नॉलेज, देयर आफ्टर इट कम्स रीजनिंग एंड लिटरेचर। इतने सारे सेक्शन से आपको इफ्लू हैदराबाद बी ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। कृपया तैयारी आप अच्छी करें। आपका ये एग्जामिनेशन जो है मार्च में डिक्लेयर किया गया है, इसकी तिथि जो है पोस्टपोन की गई है, 30 और 31 मार्च को इसका एग्जामिनेशन होगा। कृपया तैयार रहें। एंड फ्रॉम माई साइड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।